नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 93। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 21 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से यूनिट 7 टॉपसी टर्वी लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से है। चलिए, आज की वर्कशीट का टाइटल भी यही है, टॉपसी टर्वी लैंड, जो किसने लिखी थी? H.E. विल्किंसन ने। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चंस करें, हम एक बार ये चैप्टर यानी ये पोएम पढ़ लेते हैं। ये देखो बेटा, ये हमारी पोएम है। इसमें आप चित्र देख सकते हो कि देखो इधर पानी में बस चल रही है, ठीक है, उल्टा पुल्टा है, बच्चे रात को स्कूल जा रहे हैं, और नीचे क्या है, ये आदमी अपने हाथों पर चल रहा है अपने पैरों के बजाय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रखा है, सब कुछ अपसाइड डाउन हो रखा है। चलिए इस पोएम को हम पढ़ना शुरू करते हैं। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, यानी जो लोग हैं वो अपने सिर के बल चलते हैं। द सी इज़ मेड ऑफ सैंड, और समुंदर किससे बना है? सैंड यानी रेत से। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, और बच्चे रात को स्कूल जाते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर? टॉपसी टर्वी लैंड में। टॉपसी टर्वी का मतलब क्या होता है? अपसाइड डाउन, यानी सब कुछ उल्टा हो गया है, ठीक है। चलिए अगले पैराग्राफ में वो बोल रहा है, द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, यानी घर के सामने वाला दरवाज़ा घर के पीछे है। यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड, यानी जब आप खड़े होते हो तो आप चल रहे होते हो। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, और आप अपनी हैट जो आप सिर पर पहनते हो वो कहाँ पहन रहे हैं? वो अपने फीट यानी पैरों पर पहन रहे हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर? टॉपसी टर्वी लैंड में। और क्या हो रहा है टॉपसी टर्वी लैंड में? एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट, और बसेस कहाँ चल रही हैं रोड की बजाय? समंदर में चल रही हैं, सी में चल रही हैं। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, और बोट्स कहाँ चलती हुई दिखेंगी? सड़क पर आगे पीछे। ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर? टॉपसी टर्वी लैंड में। यू पे फॉर वट यू नेवर गेट, यानी जो हमें कभी मिलता ही नहीं है उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक, और यानी जब आप जा रहे हो तो आप असल में जा नहीं रहे हो, आप वापस आ रहे हो। इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में। तो सब कुछ इसमें क्या है, टॉपसी टर्वी लैंड में सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, ठीक है। क्या क्या उल्टा हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोग अपने पैरों पर नहीं अपने सिर के बल चल रहे हैं, समुंदर में पानी नहीं रेत है, और रात को बच्चे स्कूल जाते हैं, घर के सामने वाला दरवाज़ा घर के सामने ना होके घर के पीछे है, ठीक है। और अपनी हैट कहाँ पहन रहे हो? अपने सिर के बजाय अपने पैरों में पहन रहे हो। और क्या है, समुंदर में बसें चल रही हैं जबकि सड़कों पर बोट चल रही हैं, और जो हमें नहीं चाहिए उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। और जब आप कहीं जाते हैं तो आप जाते नहीं हो, वापस आ रहे होते हो। तो सब कुछ उल्टा हो गया है। ये हमारी पोएम थी टॉपसी टर्वी लैंड। आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम टॉपसी टर्वी लैंड, रेफर पेज नंबर 111। यानी यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ पे लिखी थी? ये हमारी पोएम में लिखी थी। कौन सी? टॉपसी टर्वी लैंड में। ये हमारी किताब के रेफरेंस के लिए है कि आप किताब में जाकर पेज नंबर 111 पर जाकर आप ये पोएम देख सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार दोबारा से इन लाइनों को पढ़ लेते हैं। द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक, यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड। इसका क्या मतलब है कि जो घर के बाहर वाला दरवाज़ा होता है फ्रंट डोर स्टेप, वो कहाँ है? वो घर के पीछे है। यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड, यानी जब आप खड़े हैं तो आप खड़े नहीं हैं, आप असल में चल रहे हैं। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट, और आप अपनी हैट को कहाँ पहनते हो? अपने पैरों पर। इन टॉपसी टर्वी लैंड, तो ये सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी कहाँ होती थी? टॉपसी टर्वी लैंड में। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। नंबर एक पर वो बोल रहा है कि टिक द पिक्चर ऑफ अ फ्रंट डोर स्टेप, यानी यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि आप इन दो चित्रों में से उस चित्र पर टिक लगाइए जो फ्रंट डोर स्टेप की बताता हो, कि कौन सी चित्र में फ्रंट डोर स्टेप दिख रहा है। तो इसमें ये वाले चित्र में फ्रंट डोर स्टेप हम देख सकते हैं, ये है बाहर के स्टेप्स और ये फ्रंट डोर है यानी बाहर का दरवाज़ा है, ये नहीं है, ये घर के अंदर से है, तो ये नहीं माना जाएगा, पहला चित्र सही है। फिर नंबर 2 पे बोल रहा है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ योर एंड इट्स,
तो इनका हमें फुल फॉर्म बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका फुल फॉर्म हमें क्यों बताना है और कैसे ये वर्ड आए। देखो बेटा, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, यानी जो स्पोकन इंग्लिश होती है, जो हमारे बोलने में आती है, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम जल्दी जल्दी में जोड़कर बोल देते हैं, दो शब्दों को जोड़कर, ठीक है। और उसमें से कुछ अक्षर हमारे निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम इन एग्जाम्पल में भी देखेंगे, तो जो अक्षर हमारे निकल जाते हैं, उन अक्षर की जगह हम ये कोमा लगाते हैं ऊपर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ, जब हम इनकी फुल फॉर्म लिखेंगे तब हम ये समझेंगे। तो आइए पहले इनकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं, यू अपोस्ट्रोफी और आर ई की फुल फॉर्म है ये, यू और आर। देखिए यहाँ पर हमने इन दो शब्दों को बोलते समय जोड़ दिया और ए इसको मिस कर दिया, तो ए की जगह हमने क्या लगा दिया? ऊपर कोमा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी। तो योर की फुल फॉर्म क्या हो गई? यू आर। और उसके बाद है इट्स, इट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इट इज। तो यहाँ पर भी हमने बोलते समय आई हटा दिया, तो आई की जगह हमने यहाँ पर ऊपर कोमा लगा दिया, जिसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। तो ये इसकी फुल फॉर्म है इट इज़। ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ये दोनों। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 3 पर। आई एम श्योर यू हैव सीन समवन वेयरिंग अ हैट, यानी यह हमें पता है कि आपने किसी ना किसी को तो हैट पहने हुए देखा होगा। वट एल्स डू पीपल वेयर ऑन देयर हेड, यानी हैट के अलावा और लोग अपने सिर पर क्या क्या पहनते हैं, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लिख सकते हैं टर्बन। टर्बन क्या होता है? टर्बन एक पगड़ी होती है जो हम अपने सिर पर पहनते हैं, अक्सर पंजाबी लोग इनको पहनते हैं, ठीक है। तो वो एक टर्बन होती है। और क्या पहनते हैं सिर पर? कैप भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह की कैप होती हैं, जैसे एक बर्थडे कैप हो गई, ठीक है, जिसका जन्मदिन होता है तो आप सिर पर वो कोन शेप की कैप पहनते हैं, या आप सर्दियों में भी सिर पर कैप पहनते हैं जिससे आपको ठंड ना लगे, ठीक है। तो अलग अलग तरह की कैप भी आप सिर पर पहन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और चीज़ आ रही है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 4 में कह रहा है हैट्स ऑफ इज़ एन ईडियम विच मीन्स टू कंग्रेचुलेट और टू एक्सप्रेस एडमिरेशन, यानी एक वर्ड बताया है उसने हमें, दो वर्ड्स बताए हैं हैट्स ऑफ। ये क्या है? ये एक ईडियम है। ईडियम क्या होता है? जैसे हिंदी में हम मुहावरे पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं? उनको ईडियम्स बोलते हैं। और इस मुहावरे का, इस ईडियम का क्या मतलब है? हैट्स ऑफ का टू कंग्रेचुलेट, यानी किसी को कंग्रेचुलेशन बोलना या फिर उनकी तरफ अपनी एडमिरेशन एक्सप्रेस करना। एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। यदि किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उनको एडमायर करोगे, आप उनको देखोगे और बोलोगे उनको कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हैट्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर्स पुलिसमैन एंड हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर वर्किंग फॉर अस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, यानी जो भी डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं और हेल्थ केयर में जो काम कर रहे लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो उन सबको क्या बोल रहा है? हैट्स ऑफ बोल रहा है, कंग्रेचुलेशन बोल रहा है। और ये भी बता रहा है कि हम उनके काम से बहुत ही प्रसन्न है, जो भी उन्होंने काम किया कोविड-19 की महामारी यानी पेंडेमिक के दौरान। तो ये उन्होंने एक ईडियम हमें बताया है हैट्स ऑफ। नंबर 5 पर वो बोल रहा है कैन यू फाइंड टू मोर ईडियम्स इन इंग्लिश, राइट देम विद देयर मीनिंग्स, यानी जैसे उसने एक हमें ईडियम बताया है हैट्स ऑफ, उसी तरीके से वो बोल रहा है कि आप कोई दो और ईडियम्स लिखो और उनके मीनिंग भी बताओ। तो आइए हम देख लेते हैं कोई दो और ईडियम्स। ये देखिए, पहला ईडियम है कटिंग कॉर्नर्स। इसका क्या मतलब होता है? डूइंग समथिंग पुअरली, यानी कोई चीज़ खराब तरीके से करना, पुअरली करना, इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी, ताकि आप उसमें समय और पैसा बचा सकें। जैसे कि देखिए, इसको एक उदाहरण के तौर पर इसको हम लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कुछ सामान बना रहा है अपनी फैक्ट्री में और वो चाह रहा है कि वो किसी तरीके से ज़्यादा पैसे बना ले, ठीक है, उसको लालच आ गया, तो क्या करेगा? वो अपने सामान में कुछ ना कुछ कमी छोड़ देगा, ठीक है, और अपना समय और पैसे बचाने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा कि उसका प्रोडक्ट जो है वो सस्ता बनेगा और वो उस पे ज़्यादा पैसे कमा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट उसका खराब हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट ही इज़ कटिंग कॉर्नर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि वो कुछ भी जो सामान बना रहा है, वो सामान बनाने में वो क्या कर रहा है? वो धोखेबाजी कर रहा है, वो गलत तरीके से वो सामान बना रहा है, ठीक है।
दूसरे idiom पर आते हैं, और क्या लिख सकते हैं हम? बीट अराउंड द बुश। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अवॉइड सेइंग व्हाट यू एक्चुअली मीन, यानी कि जो आप कहना चाहते हैं वो आप सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं, आप दाएं बाएं बातों को घुमाकर कोई बात बता रहे हैं। अक्सर ऐसा कब होता है? अक्सर ऐसा तब होता है जब आप किसी बात को सीधे सीधे कहने में या तो आपको शर्म आ रही है या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप दाएं बाएं की बातें ज़्यादा करते हैं और सीधी बात नहीं बोलते। तो ये दो आप idioms लिख सकते हैं अपने आंसर में। इसके अलावा भी और बहुत सारे idioms होते हैं, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्स्थ में वो पूछ रहा है मेक अ सेंटेंस विद द एक्शन वर्ड वॉक। देखो एक्शन वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड वो होता है जो कोई एक्शन बताए, कोई क्रिया बताए, कोई काम हो रहा है जो उसको बताए। यानी वो क्या कह रहा है कि ये एक वर्ड है वॉक, जिसका मतलब है चलना, तो ये एक क्रिया है। हमें क्या करना है? हमें एक सेंटेंस बनाना है इस शब्द को इस्तेमाल करके। तो एक सेंटेंस आप बना सकते हैं ये, आई गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, यानी मैं शाम को एक वॉक के लिए जाता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 7 पर वो पूछ रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम हेल्प बॉक्स। तो ये हमारा हेल्प बॉक्स है, इसमें तीन वर्ड लिखे हैं इज, एम और आर। तो आर कब यूज़ करेंगे? जब हम एक से ज़्यादा हों, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं आर। एम कब यूज़ करते हैं? आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। और इज़ कब यूज़ करेंगे? जब कोई सिंगल पर्सन हो। कैसे, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है शी डैश 10 ईयर्स ओल्ड। अब शी जो है ये किसके लिए? किसी लड़की के लिए इस्तेमाल किया है, वो अकेली है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इज़। तो यहाँ पर हम इज़ लिख देते हैं, शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। फिर दूसरा है आई डैश हंगरी। मैंने क्या बताया था? आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा? एम। तो यहाँ पर आई एम हंगरी, यानी मुझे भूख लगी है। नंबर 3 पर लिखा है यू डैश टॉलर देन ऑल ऑफ अस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर यू जो है ये एक स्पेशल केस होता है। यहाँ पर जब तुम की बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं, तो हमेशा हम इसको प्लूरल मानते हैं, यानी एक से ज़्यादा मानते हैं। तो यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा, यू आर टॉलर देन ऑल ऑफ अस। अगला क्या है? ही डैश सिक। अब यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर है, एक ही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इज़, ही इज़ सिक। नंबर 5 पर बोल रहा है वी डैश वेरी हैप्पी टुडे। वी का मतलब क्या है? हम, यानी एक से ज़्यादा है, तो हम एक से ज़्यादा हो गए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आर। वी आर वेरी हैप्पी टुडे, यानी आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। फिर आता है लास्ट आई डैश स्टेइंग एट होम ड्यू टू लॉकडाउन। अब यहाँ पर आई आ गया, मैंने क्या बताया था? आई के साथ हमेशा एम यूज़ होगा, आई एम स्टेइंग एट होम ड्यू टू लॉकडाउन, यानी कि मैं लॉकडाउन की वजह से अपने घर पर ही रहूँगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमने तीन वर्ड्स को सीख लिया है और ये भी जान लिया कि किन वर्ड को किस समय यूज़ करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।